आप लोगों को हम जैसा कि बताए थे, आप लोगों को हम बताए थे कि लेक्चर नंबर 13 में आप लोगों को बताया जाएगा आईआईटी जेई के लिए जो हमें कॉमन प्रैक्टिस सेट दिए थे, प्रैक्टिस सेट वन, ध्यान दीजिएगा। तो जो प्रैक्टिस सेट वन था उसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगा उसको बोले थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आया। ठीक है, आप लोगों में से कोई लोग जो है कमेंट नहीं किए हैं, तो हमको लग रहा है कि इस भाई बहुत आसान है, जो जेईई एडवांस का आप लोग बना लेते हैं तो इस समय कोई दम नहीं है। फिर भी जो हमको लग रहा है कि जिस पॉइंट पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है वो हम आपको बनाने का यहाँ कष्ट कर रहे हैं। तो जरा देखिएगा, क्वेश्चन आ गया है। देखिए, एक क्वेश्चन आ रहा है, इफ द मैट्रिक्स ए बी सी डी इज कॉम्यूटेटिव विद द मैट्रिक्स इतना, देन इसमें से चारों ऑप्शन कौन सही होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के साथ कॉम्यूटेटिव है। सुन लीजिएगा, हिंट दे रहे हैं। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब, देखिएगा, ए बी ऑब्जेक्टिव बना रहा है ना, इतना इंटू वन वन जीरो वन करें, ये इक्वल होना चाहिए वन वन जीरो वन इंटू, फिर हो जाएगा ए बी सी डी। देखिए, कॉम्यूटेटिव किसको बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, बी का वैल्यू बी ए के बराबर होगा तो कॉम्यूटेटिव है। तो कॉम्यूटेटिव आपको दिया हुआ है, इसके आगे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आ सकता है। तो चलिए इसको बना लीजिएगा, बस ए बी इज इक्वल टू बी ए करके आपको आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर देना है। अब देखिए, एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू जीरो आई माइनस आई जीरो देन द वैल्यू ऑफ e टू द पावर 40। देखिए, बहुत स्टूडेंट का कहना है कि सर 40 पावर दे दिया, 40 पावर दे दिया, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। हम देखिए, हम पहले भी जब आपको बताए हैं तो उस समय बोले थे कि पावर 40 है या 4000 है उससे मतलब नहीं रखना है, आप 2 पावर या 3 पावर निकालिए, इसी जगह कोई ना कोई डिसीजन निश्चित रूप से हो जाएगा। देखिएगा, तो निश्चित रूप से इसका कोई ना कोई इलाज आपको बन जाने वाला है। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है आप लोगों को, अब जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, गौर कीजिएगा, ए टू द पावर 40 निकालना है। हम चलिए निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले तो जो उसमें आई देख रहे हैं, पहले उस आई के बारे में समझिए आप लोग। देखिए, उसमें आप लोगों को आई दिख रहा है, तो आई जो दिख रहा है मैट्रिक्स में, आई के बारे में जानिए। आई क्या होता है, आयोटा होता है, आई आयोटा होता है जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर माइनस वन, और ये एक इमेजनरी नंबर है, ये एक इमेजनरी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां पर हम कर पाएंगे, आई स्क्वायर माइनस वन आई क्यूब का होता है माइनस आई आई फोर का वन, फिर होता है वन बाय आई का होता है माइनस आई। देखिए, इतना याद रहेगा, सब काम हो जाएगा। चलिए, आप लोगों को बोला गया था कि आप लोगों को चाहे वो 40 पावर पूछे और चाहे 4000 पावर पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर ए टू द पावर 40 कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा लिख पाएंगे कि नहीं। आप देखिए, कुछ मत कीजिए, 40 को छोड़िए, गोली मारिए 40 को, आप ए स्क्वायर लिखिए, ए स्क्वायर अभी फैसला हो जाए, अभी क्विक फैसला हो जाएगा। ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए की जगह हो गया 0i माइनस आई 0,
फिर हो गया जीरो आई माइनस आई जीरो। अब चलिए इसका कैलकुलेशन कर लीजिए आप लोग, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसका रो लीजिए इसका कॉलम, जीरो इंटू जीरो का जीरो हो गया माइनस आई स्क्वायर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में, जीरो इंटू आई और फिर इतना हो जाएगा, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में माइनस जीरो और फिर माइनस जीरो सेकंड रो से सेकंड कॉलम में, तब माइनस आई स्क्वायर और प्लस जीरो। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना होगा, आई स्क्वायर का होता है माइनस वन, ये होता है जीरो, ये होता है जीरो और आई स्क्वायर का होता है माइनस वन, ठीक है। अब जो है ये वन हो गया जीरो हो गया, अब देखिए इसी जगह फैसला हो चुका, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1001, ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है भाई, तो घबराने की क्या जरूरत है। अब आपको निकालना है ए के पावर 40, तो ए स्क्वायर का पावर 20 कर दीजिए तो आई के पावर 20, कोई फर्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी को, तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा 2×2 वाला, आप देख लीजिए ये आपका रिजल्ट रहा। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें लगाइएगा तो बहुत इजी पड़ेगा, बहुत इजी, जब एडवांस लेवल आप बना चुके हैं तो हमको नहीं लगता है कि इस प्रैक्टिस सेट में आपको जल्दी फंसने वाला है। तो चलिए आपके सामने जो है एक और क्वेश्चन आ गया है, जरा इसके ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑप्शन इसमें आपको लगा कि आप लोगों को दिक्कत कर सकता है, इसीलिए हमने इसको बनाने का फैसला किया है। अब देखिएगा एक क्वेश्चन आ गया है m इज इक्वल टू 111, फिर इसी तरह से देन m टू द पावर 50 इज इक्वल टू, हम आपको क्या बोले हैं। देखिए पावर में क्या दिया उससे आप मतलब मत रखिए, ये एक दो के बाद फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फैसला करके क्या होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे एम स्क्वायर हो जाएगा, दो पावर निकालिए ना तुरंत फैसला हो जाएगा, फैसला होने में देर नहीं लगेगा, बस आप मैट्रिक्स में क्वेश्चन कोई हो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसको करना क्या होगा, इसको अब कैलकुलेट कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, जितना शक्ति है उतना लगाइए, वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो गया, ये हर जगह थ्री हो जाएगा, ये लीजिए। अब देखिए जो चालाक होगा ना उसको इसी जगह आंसर मिल चुका। अब देखिए बार बार कहेगा गुने को क्यों ना दिखाते हैं, फर्स्ट रो से पहले फर्स्ट कॉलम में कीजिए, फिर सेकंड कॉलम में कीजिए, फिर थर्ड कॉलम में कीजिए, फिर सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम से थर्ड कॉलम, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम में कर दीजिए, बहुत इजीली हो जाएगा। थ्री कॉमन कर दीजिए, थ्री का मतलब यहाँ थ्री के पावर वन, देखिए कितना इजी आ गया। अब चालाक होइएगा ना तो इसी जगह आंसर मिल चुका है, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, थ्री के पावर वन और ये आपका एम के बदले जो था उतना है ये है, तो क्या देखे एम पर कोई असर नहीं पड़ता है, थ्री का पावर यहां जितना होता है उससे कम जाता है, तो कम जाता है तो जब आपको यहाँ एम के पावर 50 होगा तो थ्री के पावर 50 में से कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ का जो एम है रहे करेगा, लीजिए आंसर हो गया। इतना सस्ता क्वेश्चन जब है तो बनाइए, घबराइएगा नहीं, और देखिए सब कंपटीशन का क्वेश्चन है, और आप लोगों को हम बोले थे पहले भी क्वेश्चन खोज कर लाना क्या जरूरी आपके लिए है, ये तमाम बातें करना मेरा ड्यूटी है आपका ड्यूटी नहीं है, आपका ड्यूटी है जो रिफाइनमेंट मिल रहा है उसको पढ़ते जाना। तो लीजिए आपके सामने थर्ड क्वेश्चन है,
सबसे पहली बात बोलता है मैट्रिक्स ए निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, सुन लीजिए आप लोग। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ाए हुए हैं, आप यदि इस कोचिंग के स्टूडेंट नहीं है, कहीं अदर प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहे हैं, तो आप उस टीचर के कंटेंट में देख लीजिएगा आप सब लोग कि आपको निलपोटेंट का कंटेंट है कि नहीं। वहां नहीं मिला निलपोटेंट का कंटेंट तो आप मेरा YouTube पर वीडियो मिल जाएगा मैट्रिक्स का, उसमें आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का मिलेगा, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, मिल जाएगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखिए निलपोटेंट मैट्रिक्स का क्या होता है कि ए स्क्वायर का यदि जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो इंडेक्स इसका हो गया टू। मान लीजिए कि ए क्यू का जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा तो इंडेक्स हो गया थ्री। मान लीजिए कि A4 का जीरो आ गया तो ये इंडेक्स हो जाएगा चार। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग फैसला खुद से कर पाइएगा। कैसे कर पाइएगा तो ध्यान देने वाली बात होगी, हम यहाँ पर ए स्क्वायर निकालेंगे, बाय द वे ए स्क्वायर जीरो हो गया तो मामला इसी जगह फाइनल हो गया, तो उसका इंडेक्स टू हो जाएगा। मान लीजिए कि ए स्क्वायर जीरो नहीं आया, ए क्यू जीरो आ गया, तो ए क्यू जीरो आ गया तो वो समझ लीजिएगा कि वो हो गया इंडेक्स थ्री। इसी तरह से आपको चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन हैं, आप चेक कर लीजिएगा और इसको वहां से बनाने की जरूरत नहीं, इसी जगह फालतू मत निकालिए। टू पावर, थ्री पावर, फोर पावर, सिक्स पावर, जिसका जीरो आ गया उसका इंडेक्स उतना ही हो जाता है। निलपोटेंट मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसमें, देखिए निलपोटेंट का शर्त क्या होता है, निलपोटेंट का शर्त आपको पता है ना, तो निलपोटेंट जो आप लोग देख रहे हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स में आप लोगों को ए टू द पावर एन का वैल्यू जब जीरो मैट्रिक्स आएगा, जहां एन जो होता है वो पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो वहां पर उसका जो इंडेक्स होगा वो एन हो जाएगा। तो पढ़ाया हुआ है फिर भी आपको शॉर्टकट में जानकारी दे दिए हैं, इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, जरूर आप बना पाइएगा। तो देखिए क्वेश्चन आ रहा है द नंबर ऑफ थ्री बाय थ्री नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। देखिए क्वेश्चन क्लियर कर दिया है कि ये थ्री बाय थ्री का होना चाहिए और ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका फोर एंट्री जो होगा वो आपको वन लेना है एंड ऑल अदर एंट्री, और बाकी जो एंट्री होगा वो आपको जीरो लेना है, ठीक है। तो चलिए हम आपको हिंट कर देते हैं, बनाएंगे नहीं, खुद बनाइएगा। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, देख लीजिएगा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन पूछे हुआ है ए आई ट्रिपल ई, पहले होता था ट्रिपल ई का एग्जाम, ये पूछा हुआ है ए आई ट्रिपल ई 2010 का क्वेश्चन। चलिए अब जो आप देख रहे हो यहाँ पर एटलीस्ट सेवन, सॉरी ऑप्शन जो भी हो, क्या बोलता है कि थ्री बाय थ्री ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स लेना है। देखिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स होना चाहिए जिसका चार एंट्री वन लेना है और बाकी एंट्री जो है आपको लेना पड़ेगा जीरो। तो चलिए देखते हैं आप ले सकते हैं, ये लीजिए, ठीक है, अब ले लीजिए, अब बाकी एंट्री कर दीजिए जीरो। अब आप लोग इस तरह से बना करके देखिएगा, देखिए इतने यूज करना है, चार को वन का जहां यूज करना है कर लीजिए, चार वन का यूज करना है और बाकी पांच जीरो का यूज करना पड़ेगा। तो इसको आप लोग अपने से बनाइएगा, कहिएगा तो ए को हम निकाल कर दिखा दिए, हुए वन हो गया उसी तरह से निकालिए। देखिए वैसे भी आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है, ये लीजिए इसी तरह से आप लोगों का एक ये भी बन गया। आप देख लीजिएगा एक मैट्रिक्स आपका ये भी बन चुका, ठीक है, दो को हो गया। इसी तरह से आप लोग ए थ्री का भी लिख सकते हैं, तो आप लोग लिखिए अपने से, और इसका कम से कम सात क्या सात से ज्यादा ही बनेगा। तो आपको ऑप्शन, चूंकि आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं
तो आपका आपका इसमें आंसर आएगा एटलीस्ट सेवन आएगा। तो देखिए हम जो बात कर रहे थे अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया है, इट ज्वाइंट इनवर्स, इसके बाद क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, ये सब जो आप लोग पढ़े हैं, तो इस पर हम आपको दिए थे एक पीडीएफ दिए थे, एक प्रैक्टिस सेट दिए थे, फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें आपको इतना ही क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ होगा। हालांकि आप लोग कुछ पूछे भी नहीं थे, फिर भी हम अपने मन से बता दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।